सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एक FZ 250 के ऊपर वीडियो डाली थी और उसमें जो रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा था तुम लोगों का, और आप लोगों ने कमेंट किए थे कि FZ 250 के ऊपर और भी ऐसे वीडियोस चाहिए। तो बहुत दिन से मैं एक FZ 250 दौड़ रहा था जिसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्क्राइब्ड वीडियो मैं बना सकूँ, और बाकी कुछ और भी मैं एक 5 बेस्ट मॉडिफाइड FZ 250 के ऊपर एक वीडियो डालूंगा। तो उसमें मैं कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूंगा जिसमें एक पर्टिकुलर बाइक में एक यूनिक मॉडिफिकेशन हुआ होगा। तो जिस वीडियो के बारे में मैं पहले बात कर रहा था उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, और मैं आपको एक बार डिस्प्ले भी करके दिखा देता हूँ कि जिस बाइक की मैं बात कर रहा हूँ उसका लुक कैसा था। और मोस्टली जो मॉडिफिकेशन है इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसी तरीके के थे, थोड़ा सा सेम है, बट कुछ कुछ यूनिक मॉडिफिकेशन भी थे, जैसे कि उसमें फेजर 250 की अंडरबेली यूज़ हुई थी और कुछ कुछ हैंडल में मॉडिफिकेशन थे। तो उसकी जो लिंक है वो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, आप एक बार जाके देख लेना। तो चलिए अब इस FZ के बारे में अपन बात करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तो इस बाइक के ओनर से मैंने बात की थी बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसके जो भी क्रेडिट हैं वो उन्हीं को जाते हैं। तो उनकी भी जो इंस्टाग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उनके यूट्यूब चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और स्क्रीन में भी मैं एक बार डिस्प्ले कर दूंगा, सो दैट अगर आपको और भी मॉडिफिकेशंस इस बाइक के ऊपर देखने हो या फिर कुछ बात करनी हो तो आप जाके ओनर से बात कर सको। तो इस बाइक में इस मॉडिफिकेशन के पहले भी कुछ मॉडिफिकेशन किए हुए थे बट वो इतने खास नहीं है, बट मैं एक कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा देता हूँ जिसमें रैप किया हुआ है और टैंक में 250 की पूरी रैप है, और साथ ही में जो रेयर अलॉयज़ हैं उसमें भी पेंट किया हुआ है नियॉन ग्रीन का। और हेडलाइट के पोर्शन में अगर बात करें तो फ्रंट में यूनिवर्सल वाइज़र इंस्टॉल किया हुआ है जो कि फेजर का ही वाइज़र बोलते हैं मोस्टली, और साथ ही में जैसे मैंने पहले बताया था कि 330D करके जो फॉग लैंप आता है वो इंस्टॉल है, और फ्रंट में इंस्टॉल किया हुआ है KTM RC 200 या फिर 390 का फ्रंट मडगार्ड। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे जो इन्होंने पहले किए हुए थे। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट में जो मॉडिफिकेशन है और उनमें से आप कौन कौन से कर सकते हो, मतलब जो प्लग एंड प्ले वाले हैं, और उनकी जो लिंक है बाइंग लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट अगर आपको भी ट्राई करना हो तो आप एक बार देख सको। इस बाइक में जो मेजर मॉडिफिकेशन का पोर्शन है वो फ्रंट साइड में ही है, और जो पूरी बॉडी में है वो है रैप। तो जो मेन इसमें अच्छी लग रही है, यूनिक दिख रही है, वो रैप के कारण है। तो फ्रंट से अगर अपन बात करना चालू करें तो फ्रंट में इंस्टॉल किया हुआ है KTM RC या फिर 390 के फ्रंट मडगार्ड, और एलॉयज में इंस्टॉल किए हुए हैं प्रो डिस्क जो कि अपन ने पहले भी FZ 250 में देख चुके हैं। इस प्रो डिस्क के ब्रांड का नाम है प्रोजेक्ट मोटरार्ड एंड प्राइसिंग है अराउंड 4000, बट लोगों ने मुझे बोला कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइज्ड है जो कि बहुत हद तक मुझे भी सही लगी। आप इसे खुद से भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्रिलिक शीट जो कि अमेजोन में भी अवेलेबल है, एंड मैंने एक वीडियो भी देखी हुई थी जिसमें FZ V2 या फिर FZ V1 में इस एक्रिलिक शीट का यूज़ करके प्रो डिस्क बनाया हुआ था। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक्रिलिक शीट की भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर तुम पे ज़्यादा ही पैसा है तो फिर ये प्रोजेक्ट मोटरार्ड वाली भी ले सकते हो आप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो कि है डोमिनार के विंगलेट का, जिसकी प्राइसिंग पड़ती है अराउंड 180 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग, और फिट करने में ज़्यादा कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बस आपको 10 रुपये के चाइना नट की जरूरत पड़ेगी एंड देन यू आर गुड टू गो। एंड फिट करने के बाद लुक कैसा आता है वो आप देख ही रहे हो। और इसके बाद वाइजर के मॉडिफिकेशन में यूज हुआ है फेजर या फिर यूनिवर्सल वाइजर जो कि हमने इस वाली FZ में भी देखा था, बट इसमें थोड़ा लोअर करके फिट किया हुआ था। नाउ कमिंग टू द फॉग लैम्प्स जो कि पिछली वाली FZ 250 में भी यूज्ड था। मैंने बोला था ना कि मोस्टली जो मॉडिफिकेशन है वो सेम है, और हाँ दोनों अलग अलग ही बाइक है, कहीं किसी को ये ना लगे कि दोनों एक ही बाइक के डिफरेंट ड्यूरेशन के मॉडिफिकेशन है। तो ये फॉग लैम्प के ब्रांड का नाम है ऑटो पावर्स एंड मॉडल है 330D जिसकी प्राइसिंग है अराउंड 1400 रुपए, और हमेशा की तरह इसकी भी जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इस FZ 250 के मेजर मॉडिफिकेशन। मैंने बाकी छोटे छोटे मॉडिफिकेशन के बारे में बात नहीं की, जैसे अगर आप रैप के बारे में बात करो तो जो शॉकअप है उसमें रैप किया हुआ है ब्लैक कलर का, जैसे कि अपन FZ V3 और बाकी FZ में देखते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का रैप किया हुआ है, और ब्लैक कलर के रैप का ही यूज़ करके जो हेडलाइट की डिज़ाइन है उसे डिफरेंट लुक देने की कोशिश की गई है। अगर आप देखो तो स्टॉक FZ की हेडलाइट से थोड़ा सा अलग आपको समझ में आएगी। और बात रही अंडरबेली की मॉडिफिकेशन की, तो कुछ फोटोज़ में अंडरबेली दिखती है और कुछ में नहीं है, बट अगर आप अंडरबेली की बात करो तो अंडरबेली स्टॉक FZ 250 की ही है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं अंडरबेली में। जो अपन ने पिछली FZ देखी थी उसमें जो अंडरबेली है वो किसी और बाइक की यूज़ थी, तो उसका मैं लुक दिखा देता हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो उसकी भी लिंक मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और रेयर पोर्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
और रेयर पोर्शन में भी ऐसा कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं है, बट जो स्टॉक टेल डाइडी आती है उसे रिमूव कर दिया गया है और देन उसमें जो आफ्टर मार्केट टेल डाइडी आती है उसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो बैक में और मिड पोर्शन में ऐसा कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं है, बट पूरे बॉडी में जो रैप किया हुआ है वो गाड़ी को मेन लुक दे रहा है और शायद उसी के कारण ही गाड़ी इतनी अच्छी दिख रही है। सो यही था इस वीडियो में, मैंने जो भी प्रोडक्ट के बारे में बात की है उनकी जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई थिंक मोस्टली जो इसमें पार्ट यूज हुए हैं वो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी एक बार ढूंढ सकते हो, अगर आपको ना मिले देन आप ऑनलाइन को प्रेफर करना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और जिन जिन को FZ250 के ऊपर मॉडिफिकेशन चाहिए होंगे उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन भी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। We'll be right back.